Good morning, students. Welcome back to your math class. In last class, we have started chapter number 4, linear equations in two variables, in which we have discussed about what are linear equations in two variables and how to find the solutions for these equations. Now, today, we will discuss about graph of a linear equation in two variables. Aaj hum yahan pe ye discuss karenge ki linear equation in two variables ka graph kis tarah se plot kiya jata hai. We know that a linear equation in two variables has infinitely many solutions. We write the solutions as a pair of values and plot these points on a graph paper and join them to get a line. हम जानते हैं लीनियर इक्वेशंस ऑफ वन इन टू वेरिएबल्स के जो सॉल्यूशन हमें मिलते हैं वो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं. लास्ट वीडियो क्लास में हमने देखा था जब टू वेरिएबल्स में से वन वेरिएबल की वैल्यू हम सपोज करते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू हमें सेकेंड वेरिएबल की मिल जाती है. सो इन दिस वे वी कैन फाइंड मैनी वैल्यूज ऑफ दिस इक्वेशन और वी कैन फाइंड मैनी सोल्यूशंस ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. हम किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू सपोज करके दूसरे वेरिएबल की करस्पॉन्डिंग वैल्यू फाइंड करते जाते हैं. इस तरह से हमें बहुत सारे सोल्यूशन मिल सकते हैं. नाउ वेन वी फाइंड द सोल्यूशन दैट इज पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. सो वेन वी फाइंड दिस पेयर वी प्लॉट दिस पॉइंट ऑन ग्राफ पेपर. जब हमें इस तरह से वैल्यूज मिल जाती है सॉल्यूशन की जो वैल्यूज एक्स और वाई की है ये मिल जाती है. इन पॉइंट्स को जब हम ग्राफ पेपर पे प्लॉट करते हैं और जब हम उन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है. स्ट्रेट लाइन क्यों मिलती है? बिकॉज दिस इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. ये एक लाइन की इक्वेशन है इसलिए इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है. Every point on the graph of linear equation in two variables is a solution of the linear equation. Moreover, every solution of the linear equation is a point on the graph of the linear equation. इस लाइन का मीनिंग ये है कि हमें ग्राफ पे जो भी पॉइंट मिलता है ग्राफ पे प्रेजेंट हर एक पॉइंट लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है. दैट इज इफ वी गेट एनी पॉइंट ऑन द ग्राफ इट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन. दैट इज व्हेन वी पुट द वैल्यू ऑफ द पॉइंट ऑन द इन द इक्वेशन वी गेट LHS इक्वल टू RHS. मोर ओवर एवरी सोल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन इज अ पॉइंट ऑन द ग्राफ. दैट इज व्हेन वी फाइंड एनी सोल्यूशन इट विल बी डेफिनेटली ऑन द ग्राफ. हमें जो भी पॉइंट मिलते हैं जो भी सोल्यूशन हमें मिलता है वो ग्राफ पे हमेशा प्रेजेंट होगा. द ग्राफ ऑफ x इक्वल टू a इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द y एक्सिस. x इक्वल टू a इज अ कॉन्स्टेंट. जब हमें x इक्वल टू a का ग्राफ ड्रॉ करना होता है तो ये एक स्ट्रेट लाइन का ही ग्राफ है और ये स्ट्रेट लाइन जो होती है y एक्सिस के पैरेलल होती है. सपोज इफ वी हैव द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 5 देन वी विल ड्रॉ अ लाइन एट द पॉइंट x इक्वल टू 5. x इक्वल टू 5 पे हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि y एक्सिस के पैरेलल होती है. इन द सेम वे द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू a इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द x एक्सिस. हियर आल्सो a इज अ कांस्टेंट एंड व्हेन वी ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 5 देन इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द x एक्सिस y इक्वल टू 5. ऐसे पॉइंट पे जब हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है. व्हेन वी ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए देन इट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड व्हेन वी ड्रॉ ग्राफ ऑफ वाई इक्वल टू ए देन इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस. एन इक्वेशन ऑफ द टाइप वाई इक्वल टू एम एक्स रिप्रेजेंट अ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन. यदि कोई इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स के फॉर्म में है, y इक्वल टू एम एक्स के फॉर्म में होने से ये इक्वेशन इन टू वेरिएबल तो है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, बट इट विल ऑलवेज बी पासिंग थ्रू द ओरिजिन. मतलब कि ये हमेशा जीरो जीरो वाले जो पॉइंट है उनसे पास होगी. बिकॉज व्हेन वी पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 0 वी गेट y इक्वल टू 0.
the equation y equal to mx always passes through the origin. Now question number 1 of exercise 4.3 is draw the graph of each of the following linear equation in two variables. आप देख रहे हैं आपको इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स गिवन है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स गिवन है. आपको पहले तो इसके सॉल्यूशन फाइंड करना है और उसके बाद इसका ग्राफ ड्रॉ करना है. सो फर्स्ट वी विल शिफ्ट दिस एक्स टू आरएचएस. सबसे पहले हम इस एक्स को आरएचएस में शिफ्ट करेंगे. जैसे ही हम इसे आरएचएस में शिफ्ट करते हैं इट विल बिकम वाई इक्वल टू 4 माइनस एक्स. Now put different values of x, we get the corresponding values of y. अब जब हम इस equation में x की जो कुछ भी values put करते हैं उसके correspondingly हमें y की value मिलेंगी. Like if we put x equal to 0, we get y equal to 4 minus 0, that is 4. When we put x equal to 1, then y equal to 4 minus 1, 4 minus 1 equal to 3. When we put x equal to 2, then y equal to 4 minus 2, 4 minus 2 equal to 2. So, we can draw the table of values of x and y. X equal to 0, at this point y equal to 4. When x equal to 1, y equal to 3. And when x equal to 2, y equal to 2. Now draw these points on a graph paper. अब जब हम इन pairs को graph paper पे plot करते हैं तो हमें क्या मिलता है? Plot the ordered pairs 0,4, 1,3 and 2,2 on the graph paper. Joining these points we get a straight line AB as shown. हमने ये graph paper पे पहले तो points draw किए. 0, origin. 1, 2, 3, 4, 5 on positive x-axis, minus 1, minus 2, minus 3 on negative x-axis, 1, 2, 3, 4, 5 on positive y-axis and minus 1, minus 2, minus 3 on negative y-axis. Now 0,4, the value of x is 0 and value of y is 4. So, point is represent here. 1,3, the value of x is 1 and the value of y is 3. The point can be represent here. 2,2, the value of x is 2 and the value of y is also 2. So we can get this 3 point, and when we join this 3 point and extend this line we get a straight line AB. Thus, the line AB is the required graph of x plus y is equal to 4. हमें जो linear equation in two variable given है, x plus y equal to 4, वो इस straight line AB से represent की जा सकती है. Now, question number 2 of this exercise is, give the equation of two lines passing through 2,14. How many more such lines are there and why? आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि 2,14 इस पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन आपको बतानी है. दो लाइन की इक्वेशन बतानी है बिकॉज इक्वेशन ऑफ टू लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट. इन पॉइंट से पास होने वाली दो लाइन की इक्वेशन आपको देनी है. इसी के साथ साथ आपको ये भी बताना है कि इस पॉइंट से और कितनी लाइन्स पास हो सकती है और क्यों. Now 2,14 it means the value of x is 2 and the value of y is 14. Now equations which have 2,14 as the solution are. अब वो equations पहले हमें लिखनी है जो कि इन values को satisfy करती है. First equation is x plus y equal to 16. जब आप x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 14 रखते हैं तो 2 plus 14 equal to कितना मिलता है हमें? 16. The second equation is 7x minus y equal to 0. Because when we put the value of x is 2, you get 14 minus y equal to 14. So 14 minus 14 equal to 0. Here we have written the two equations which passes through the points
2, 14। यहाँ हमने दो ऐसी लीनियर इक्वेशन लिखी हैं जो कि 2, 14 से पास होती है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी मोर सच लाइंस आर देयर। देयर आर इनफाइनाइटली नंबर ऑफ लाइंस विच पासेस थ्रू द पॉइंट 2, 14। अब यहाँ पे सिर्फ यही दो लाइन नहीं, इनके अलावा भी बहुत सी लाइन की इक्वेशंस हो सकती है जो इन पॉइंट्स से सेटिस्फाई होती हो। लाइक 2x इक्वल टू y। इफ वी राइट 2x इक्वल टू y, देन 2, 7, 14 इक्वल टू 14। ये वाली जो इक्वेशन होगी 2x इक्वल टू y, सॉरी 7x इक्वल टू y, ये भी जो होगी आपकी इस इक्वेशन, इस लाइन, इस पॉइंट से ही पास होगी। इसके अलावा भी आप बहुत सी इक्वेशंस और बना सकते हैं, लाइक y माइनस 7x इक्वल टू 0। जब आप y में से 7x को माइनस करते हैं तो भी आपको इक्वल टू 0 मिलता है। अदरवाइज यू कैन राइट ऑल्सो 7x प्लस y इक्वल टू, सॉरी 2x प्लस y इक्वल टू 18। 2x दैट इज 2 2 4 प्लस 14 इक्वल टू 18। सो यू कैन राइट n नंबर ऑफ लीनियर इक्वेशन विच पासिस थ्रू 2, 14। यहाँ पे आप 2, 14 पॉइंट से पास होने वाली बहुत सारी इक्वेशंस बना के लिख सकते हैं। इफ द क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ दिस एक्सरसाइज इज इफ द पॉइंट 3, 4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3y इक्वल टू ए एक्स प्लस 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। आपको एक पॉइंट गिवन है 3, 4, वो इस इक्वेशन, ये जो लाइन की इक्वेशन है इसी के ऊपर एक पॉइंट है, तो आपको a की वैल्यू फाइंड करनी है। अब आपसे पहले ही बोला गया है कि ये जो 3, 4 है इस लाइन के ग्राफ पे एक पॉइंट है, लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन दिस, सो इट दिस पॉइंट विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। जब ये पॉइंट ग्राफ के ऊपर है, इस लाइन के ग्राफ पे ही है, तो ये इसे सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करेगा मतलब हम x की प्लेस पे 3 और y की प्लेस पे 4 रख सकते हैं। द इक्वेशन ऑफ द गिवन लाइन इज 3y इक्वल टू x प्लस 7। सिंस 3, 4 लाइज ऑन द गिवन लाइन, इट मस्ट सेटिस्फाई द इक्वेशन 3y इक्वल टू ax प्लस 7। Now we have 3, 4 which implies x equal to 3 and y equal to 4. Putting these values in the given equation, we get 3 into 4. 3 into y, that is 3 into 4 equal to a into x, that is a into 3 plus 7. When we put this value in the equation and solve further, we get 3 4s are 12 equal to 3a plus 7. Now 12 equal to 3a plus 7, when we shift this plus 7 to LHS, we get 12 minus 7, which implies 3a equal to 12 minus 7, 12 minus 7 is 5, hence the value of a is 5/3, because when we shift this 3 on RHS, we get 5 upon 3, so the required value of a is 5/3. The next question is, the taxi fare in a city is as follows. For the first kilometer, the fare is rupees 8 and for the subsequent distance, it is rupees 5 per kilometer. Taking the distance covered as x kilometer and total fare as y rupees, write a linear equation for this information and draw its graph. आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि एक सिटी में टैक्सी फेयर जो है वो इस तरह से लिया जाता है। किस तरह से? फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज रुपीज 8। फर्स्ट वाला जो 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर डिस्टेंस का चार्ज तो 8 रुपीज फिक्स है। फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इज इट इज 5 रुपीज पर किलोमीटर, और आगे आप जितने किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करेंगे पर किलोमीटर आपको 5 रुपीज देना है। टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज एक्स किलोमीटर, आपसे बोला गया है कि यदि आपने एक्स किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की है
और आपने टोटल फेयर y रुपीस पे किया है, तो इसके लिए आपको एक लीनियर इक्वेशन लिखना है और साथ ही साथ इसका ग्राफ भी ड्रॉ करना है. सो हियर द टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज x किलोमीटर एंड टोटल टैक्सी फेयर इज y रुपीस. यहाँ पे हमने सबसे पहले जो हमें गिवन है क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन वो लिखी कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड जो है वो x किलोमीटर है और इस टोटल डिस्टेंस के लिए फेयर जो हमें देना पड़ा है वो हमने कितने रुपीज दिया है, y रुपीज. नाउ फेयर फॉर 1 किलोमीटर इक्वल टू रुपीज 8. आपसे सबसे पहले कहा गया था कि जो सबसे फर्स्ट किलोमीटर है उस फर्स्ट किलोमीटर के लिए आपने 8 रुपीज चार्ज पे किया है. सो फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर इक्वल टू रुपीज 8. नाउ द रिमेनिंग डिस्टेंस, फर्स्ट किलोमीटर के लिए तो 8 रुपीज पे किया, अब जो बची हुई डिस्टेंस है तो बची हुई डिस्टेंस कितनी होगी, x माइनस 1, टोटल डिस्टेंस इज x. एंड व्हेन वी सब्ट्रैक्ट दिस 1 किलोमीटर द रिमेनिंग डिस्टेंस इज इक्वल टू x माइनस 1 किलोमीटर. एंड फेयर फॉर दिस x माइनस 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 5 × x-1. अब यहाँ पे ये जो बची हुई डिस्टेंस है, बची हुई डिस्टेंस के लिए आप कितना चार्ज पे करते हैं, 5 रुपीज पर किलोमीटर. सो हियर द डिस्टेंस, द रिमेनिंग डिस्टेंस इज x माइनस 1 किलोमीटर. सो यू विल पे ₹5 × x-1 फॉर दिस x माइनस 1 किलोमीटर. नाउ टोटल टैक्सी फेयर, टोटल टैक्सी फेयर क्या होगा, फर्स्ट किलोमीटर के लिए 8 रुपीज एंड फॉर द रिमेनिंग x माइनस 1 किलोमीटर इट इज ₹5 × x-1. बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल टैक्सी फेयर इज ₹y. सो y इक्वल टू 8 + 5 × x-1. व्हेन वी सॉल्व दिस फर्दर वी गेट y इक्वल टू 8 + 5 × x = 5x ±5 × 5. Now 8 − 5 = 3. So this implies y is equal to 5x + 3, which is the required linear equation representing the given information. यहाँ पे ये आपको क्या मिल गया है, y equal to 5x + 3, that is this is the linear equation in two variables. Now we have to draw the graph of this equation. So to draw the graph we consider some values of x and we get the corresponding values of y. First we have the equation y equal to 5x + 3. Now when we put x equal to 0 we get y equal to 5 × 0 + 3, that is y equal to 3. When we put x equal to minus 1, then y equal to 5 × -1 + 3, 5 × -1 − 5, −5 + 3 = −2. When we put x equal to −2, y equal to 5 × −2 + 3, 5 × 2 = 10, −10 + 3 = −7. So when we put the value of x as 0, −1, −2, we get the values of y as 3, −2, −7. Now plotting the ordered pairs 0, 3, −1, −2, and −2, −7 on a graph paper and joining them we get a straight line PQ as shown. जब हम इन point को ग्राफ पेपर पे प्लॉट करके इन पॉइंट्स को जॉइन करते हैं तो हमें एक स्ट्रेट लाइन पीक्यू का ही ग्राफ मिलता है लाइक दिस. फर्स्ट पॉइंट इज 0, 3, 0, 3 दैट इज द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस. द नेक्स्ट पॉइंट इज −1, −2, द वैल्यू ऑफ एक्स इज −1 एंड द वैल्यू ऑफ वाई इज −2. So the point will come in third quadrant. Next point is −2, −7. Both are negative, so it will be on third quadrant. So we get these three points 0, 3, −1, −2, −2, −7. And when we join this point, we get a straight line PQ.
Thus, the line PQ is the required graph of the linear equation y equal to 5x plus 3. अब ये जो PQ है, ये हमें जो equation मिली है taxi fare और जो हमने distance cover की थी उसके according जो हमें equation मिली है straight line की equation है और उसके लिए जो graph मिला है वो एक straight line है PQ. Now in question number 5, from the choices given below, choose the equation whose graphs are given in figure 1 and figure 2. आपको यहाँ पे x और y की values ना देते हुए, there are some equations in the form of x and y. आपको x और y के form में equations given है और आपको book में question में graph भी given है. Graph पे आप देखेंगे कुछ points given है. ऑर्डर्ड पेयर ऑफ पॉइंट्स, आपको उन पॉइंट्स को इन इक्वेशन में रख के वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है या नहीं ये चेक करना है. दैट इज इफ द वैल्यू गिवन इन फर्स्ट ग्राफ इज -1,1 वी विल पुट दिस -1,1 इन ईच इक्वेशन ऑफ दिस इक्वेशन फॉर फिगर 1. हम यहाँ पे जो फॉर फिगर 1 की इक्वेशंस गिवन है उनमें सभी में जो ग्राफ पे पॉइंट्स हैं उनकी वैल्यूज पुट करेंगे. जिन पॉइंट से यहाँ की इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है वो इक्वेशन करेक्ट इक्वेशन होगी. दैट इज फॉर फिगर 1 द करेक्ट लीनियर इक्वेशन इज x प्लस 5 इक्वल टू 0 एज -1,1. -1,1 जब हम यहाँ पे पुट करते हैं तो हमें 0 मिलता है. 1,-1 ये भी आपका उस ग्राफ में एक पॉइंट है. जब हम 1,-1 रखते हैं तो भी ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है. सो x प्लस y इक्वल टू 0 इज द करेक्ट इक्वेशन फॉर द फर्स्ट ग्राफ. सिमिलरली फॉर द सेकेंड ग्राफ पॉइंट्स गिवन आर -1,3 एंड 0,2. When we put -1,3 and 0,2, we get y equal to -x plus 2 satisfy the equation. यहाँ पे जो आपके ये points हैं, ये कौन सी equation में satisfy हो रहे हैं? y equal to -x plus 2 में satisfy हो रहे हैं. So the correct option is third option. That is for the second graph. The linear equation in two variables is y equal to -x plus 2. Here we have done some question of exercise 4.3. In next class we will continue this exercise with more questions. Till then take care. Thank you.